आगे किया गया है सेकंड पैराग्राफ में सिद्धार्थ जो मैंने आपको यहाँ लिख के दिए हैं। देखिए पहला है काटे, काटे का अर्थ होता है कष्ट या दुख होना, फूल का अर्थ होता है आनंद या सुख मिलना, दहकते का अर्थ होता है दुखी या सॉरी दुखी होना, महत्ते का अर्थ बताया गया है शांति के लिए काम करते रहना, शान शान का अर्थ बताया गया है गर्व होना। चलिए इस लिस्ट में देखिए, बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियाँ। यहाँ कभी कहना चाहता है कि बड़ी बड़ी जो ज्वालाएँ हैं उनसे यहाँ की चिंगारियाँ कम नहीं है। कभी बच्चों की वीरता का वर्णन करते हुए बता रहा है कि जो हम छोटे छोटे चिंगारियाँ जो बड़ी बड़ी ज्वालाओं पर रखकर मुकाबला करती हैं, अर्थात इस भारत देश के पुत्र कौन है भरत, इनके समान जो शक्तिशाली हैं, जो शेरों के संतान से खेलते हैं वो क्या है, भरत पुत्र बताए गए हैं। वो क्या करते हैं, छोटी छोटी चिंगारियों से तो क्या वह बड़ी बड़ी ज्वालाओं से भी डटकर सामना करते हैं। कांटे पहले फूल बाद में देते हैं फूल वाले हैं, जब भी आप किसी कार्य को करोगे तो पहले कांटे अर्थात दुख मिलेंगे और उसके बाद में आपको खुशियाँ मिलेंगी अर्थात फूल मिलेंगे, और ये फूल देती हैं फुलवारियाँ। किसी भी बाग बगीचे में आप अगर जाओगे तो उसमें आप देखते हो किसी भी फूल के पास में कांटे अवश्य ही दिखाई देते हैं, इसीलिए बताया गया कांटे पहले फूल बाद में देती हैं फुलवारियाँ। यहाँ बगीचों में फूल से पहले कांटे आते हैं, हम कठिन संघर्ष करके सफलता पाते हैं। कभी कभी दहकते कभी महकते, जीते मरते शांति शान से, कभी दहकते यानी कभी धन क्या होते हैं दुखी होते हैं, कभी महकते यानी सुख शांति से कार्य करते हैं, कभी दहकते कभी महकते जीते मरते शान से, और यहाँ पर क्या करते हैं गर्व से यहाँ पर हम जन्म लेते हैं और गर्व से यहाँ पर हमारी मृत्यु होती है। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, और इस देश से बढ़कर हिंदुस्तान में हमारे लिए कोई दूसरा देश नहीं है, इसलिए बताया गया है भारत देश को हमेशा गर्व से देखा गया है, भारत देश को हम पूजते हैं, हम मानते हैं।